इंडस्ट्री, हमारी फिल्म इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर एक्टर्स अपने आप को दोस्तों अलग अलग एस्पेक्ट पे एक्सप्लोर करते रहते हैं, न सिर्फ एक्टिंग बकायदा अलग अलग, जैसे कि डायरेक्शन ले लीजिए, कॉस्ट्यूम डिजाइन ले लीजिए, ज्वेलरी डिजाइन ले लीजिए, मेकअप ले लीजिए, मेकअप में तो बहुत मुश्किल से कोई आता है, और डायरेक्शन ले लीजिए, प्रोडक्शन ले लीजिए। अब ऐसे में कंगना रनौत की चाल चली तापसी पन्नू, क्या किया है तापसी ने ऐसा, इस वीडियो में मैं राहुल भोज आपको सारी डिटेल्स बताता हूँ। स्वागत है आपका फीफा फूज में, आ गया है होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे मैं मौजूद हूँ, तो आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं तापसी पन्नू की कि आखिरकार तापसी पन्नू क्या कह रही है। सो तापसी पन्नू ने दोस्तों आउटसाइडर्स फिल्म्स करके एक प्रोडक्शन हाउस खोला है। हम सबको पता है कि रिसेंटली कंगना ले लो या आलिया ले लो, इन लोगों ने अलग अलग तरीके से जो है अपने प्रोडक्शन हाउस खोल दिए। कंगना ने मणिकर्णिका फिल्म्स खोल दिया और अब तापसी पन्नू ने दोस्तों जो है आउटसाइडर्स फिल्म्स कर खोल दिया है। तापसी पन्नू के बारे में बड़ी जानकारी देते हुए मिस्टर तरण आदर्श लिखते हैं कि तापसी अब प्रोड्यूसर बन गई है। तापसी ने प्रंजल खंडा दिया कि जिन्होंने सुपर 30, 83, सूरमा, पीकू, मुबारक जैसी फिल्मों में प्रोडक्शन किया है, तो वो कहते हैं कि उन्होंने प्रोडक्शन हाउस खोल दिया है आउटसाइडर्स फिल्म्स, और अब वो एक थ्रिलर फिल्म प्रोड्यूस करने वाले हैं जिसमें तापसी जो है होंगी। अब दोस्तों देखना दिलचस्प होगा, आपका क्या रिएक्शन है मुझे जरूर बताएं। हमारी तरफ से फीफा फूज की टीम की तरफ से मेरी राहुल भोज की तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट तापसी पन्नू, डू योर ग्रेट।